আমি তোমাকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি তোমার কলকাতায় সিটি। বড়িয়া, কে হাল চাল আমির ভাই? সব বড়িয়া ভাই, সব বড়িয়া, সব বড়িয়া। इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, अभी फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आप सभी का स्वागत हो चुका है। तो फिलहाल अभी कहाँ निकल रहे हैं, पापा तो ऐसे घर पे है नहीं। ए जिमी, हाँ ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। बाय बाय, जल्दी आना बेटा। हाँ, बड़ी मिस करेंगे तुम। अरे बाबा, लव यू, लव यू, लव यू मेरे कुतरी। बाय बाय, ये देखो मेरे कुतरी गाइस, मेरे जिमी। बाय बाय, इसको भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे, पर ये मिस नहीं करेगा, ये पवन को सिर्फ चाहता है। क्यों जिमी? बाय बाय बाय। तुमन फंस गया बाबू, हमको नहीं खिलाएगी ना तुम? अकेले अकेले खा रही है। तो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग को बता देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, जैसा कि दुर्गा पूजा आप लोग को पता है, वहाँ बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। तो वहाँ अपने फ्रेंड सर्कल भी है, तो वहीं जा रहे हैं। फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म में गए थे टिकट लेने के लिए हावड़ा के लिए, तो मिला नहीं, तो टीटी से कटवा लेंगे। 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जाते हैं। तो भाई अभी जिस तरह हड़बड़ा रहे थे ना, ट्रेन ही 1 घंटा और लेट है। तो वही सोचे अगर टिकट मिल जाएगा तो बढ़िया है हम लोग के लिए, और अच्छा रह जाएगा, कहीं फाइन कटाने से अच्छा टिकट का व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया है। इधर सुमन है, और ये बैग रहा। वैसे मेरा बैग तो सारा जम्मू में छूट गया, तो मेरे पास कोई बैग ही नहीं बचा, ना ट्रॉली बैग ना हैंड बैग। इसको भी व्यवस्था करके लाया है। अभी टिकट तो मिलना मुश्किल है, अभी हमारे एक अंकल जी मिले हैं, टीटी वाले अंकल, तो वो हमारा टिकट कर दे रहे हैं। हेलो अंकल, से हाय। यहाँ से हावड़ा के लिए यही होता है गाइस, यही होता है। देखो भाई, अभी T10 खोजना मुश्किल हो जा रहा है भाई। एक बार फ्लाइट में भी ऐसे ही हुआ था और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ हाँ, मैं जम्मू गया हुआ था, जम्मू। तो गाइस, फिलहाल हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, बहुत मुश्किल के झेले यहाँ, फिर बैठे। अभी एक पकड़ के इधर उधर एक सब्सक्राइबर भाई था, तो बहुत मदद किया, बहुत हेल्प किया। एक सब्सक्राइबर भाई मिला था, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास बंदा थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हम लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो हम लोग के लिए सीट भी खोजा, बहुत आगे पीछे दौड़ा, और बोगी होता है ना, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए होता है, तो वो भी हम लोग के लिए सेक्रीफाइस किया कि भैया आप यहाँ बैठ जाइए, हम खड़े हैं। बट वो भाई झाड़ग्राम में उतर गए। तो भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए। और वो हम लोग को बैठा के ही छोड़ा, मतलब सीट हम लोग के लिए खोज ही दिया। फाइनली हावड़ा पहुंच गए गाइस, हावड़ा हावड़ा। बहुत लंबा स्टेशन है भाई हावड़ा का, भाई बहुत लंबा स्टेशन है, बहुत लंबा टाइम भी खींचता है ट्रेन भाई। आज पता चला तेरे को। चलो गाइस, अब फटाफट से चलते हैं। अबे यार, तुमको आज हावड़ा ही में रहना है क्या? फंस जा रहा हूँ, बोल तो रहे हैं। पूरा सुस्ती हो गया लड़का, 7 घंटा ट्रैवल किए हम लोग गाइस, भाई ऐसा हालत हो गया। देख रहे हो अपना ट्रॉली बैग कैसे उठान रहा है, इसको भी टांगने के लिए कोई बुलाना पड़ेगा। अब जाओ सब अपने अपने घर, हम लोग जा रहे हैं। गाइस पंखा में नजर डाले, देखिए इतना बड़ा डैना भाई साहब, हेलीकॉप्टर की तरह। ये देखो भाई साहब, कलकत्ता का पंखा क्या है। अंकल, हेलो बोल दीजिए अंकल जी। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ऐसे ऐसे। तो अंकल जी हमें छोड़ देंगे तो, तो भाई साहब अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, देखो। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं और अभी हम लोग न्यू टाउन अकंका जा रहे हैं। और एक चीज आप लोग बता दे गाइस, ये देखो यहाँ पे एडवर्टाइज हो रहा है विमल का, ये चेक करो गाइस, विमल पान मसाला। यहाँ पे खतरनाक सीन है भाई, बहुत अलग अलग चीज देख रहे हैं, आप लोग को भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। तो 1 घंटा का रास्ता है अकंका के लिए, और चलते हैं फटाफट से। भाई कसम से यार, 2 बज गया भाई, 2 बज गया, अब रहा नहीं जा रहा है, जल्दी करो।
क्या ही बोले भाई, मन ही नहीं कर रहा यार, इतना ज्यादा नींद आ रहा है और पेट में ना गुड़ तो बेचारा बोलता है कि केक ले ले भाई। एक केक लिए थे, मिक्सचर पैकेट लिए थे और एक लिए थे पानी बोतल, वही खा के अभी तक है। और अभी सिर्फ क्या ही मिल जाए पता है हम लोगों को, झारखंडी दाल चावल आलू भुंजिया ये सब भी मिल जाए ना, पानी भात भी मिल जाए ना, कसम से पूरा मिर्चा के साथ उड़ा देंगे गाइस, कसम से कुछ भी मिल जाए पर परोस दे। अब ऐसा हुआ बाय गए, भाई बोले भाई सो जाओ यार, बहुत थक गया होगा, कल सुबह फ्रेश होना, उसके बाद खाना होना खाना। ए भाई दिल टूट जाएगा भाई, दिल टूट जाएगा। अरे भाई पता है हम लोग खाने का मौका ही, हम खुद के लिए लाए हैं, बोलते हैं कि खुद के लिए क्या लेके आया यार, हम लोग नहीं खाएंगे। मैं आमी तुम्हें भालूवासी, खूब भालूवासी तुम्हारे कोलकाता है सिटी, तो तुम्हें खूब प्रेम भालो आमा के प्यार दे। अरे भाई हम खुद बंगाली कोथा आते ना, कोथा आते ना, तो हमें की बोलबो सोबाई के, हमार सोबाई के जुने जुने वीडियो देखे हमार कोलकाता है वासी या जो भी है, तो श्रेष्ठ प्रणाम तुम्हारे। और दुर्गा पूजा खूब मोहल्ला करो, खूब मजा करो, और की बोल बो बाकी अभी देखे कोबे हमार दादा आसबे टैक्सी दादा, उसके बाद जाएंगे भाई डेस्टिनेशन में। बेवकूफ़ी वाला काम हो गया यार, पता है टाटा नगर से 4 घंटा या 4.5 घंटा लगता है कलकत्ता आने में, पर जो ये हम लोग को 7-7.5 घंटा ले लिया ना, हम लोग पूरा मार दिया है भाई, पूरा ट्रेन वाला मार दिया है। कौन सा ट्रेन था यार, शताब्दी, कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस, हाँ भाई मार दिया ये ट्रेन वाला, बेटाइम है भाई, क्योंकि ना हम लोग कितना 10:35 या कुछ मिनट पहुँचने वाले थे, पर यहाँ भाई 2 बज रहा अभी, दिखा दें भाई फिर से टाइम देखो। हम लोग के साथ आप लोग भी रो यार, 2 बज गया। देखो गाइस यहाँ इतने सारे बकरा है, बकरा। गाइस अब आया हम लोग का येलो टैक्सी, हमारे अंकल जी भी चेंज हो गए, अभी दूसरे अंकल जी आ गए भाई साहब, चलते फटाफट से अब येलो टैक्सी में बैठते हैं भाई, बहुत मजा, बहुत मजा। व्हाइट टैक्सी से नहीं, व्हाइट कार से येलो टैक्सी में आ चुके हैं। और देखो खूब सारा यहाँ टैक्सी दिखेगा, एक दो पूरा नेता टाइप का अंकल जी है टैक्सी पूरा। अच्छा ये पूरा डिपार्चर नेता वाला देख के लिया गया क्या पूरा टैक्सी? आप भी नेता ही लग रहे हैं अंकल जी, कलकत्ता का नेता ही लग रहे हैं आप। सब तो अभी हम लोग अंकल छोड़ देंगे न्यू टाउन। बढ़िया, क्या हाल चाल आमिर भाई? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया। गाइस कलकत्ता पहुंच चुके हैं, और जितने भी कलकत्ता से लोग देख रहे हैं, बस आप सभी के प्यार से हम लोग पहुंच पाए और सही सलामत आ चुके हैं। और मम्मी पापा, हाँ हम लोग सही सलामत पहुंच चुके हैं। आप लोगों को भी पता है कलकत्ता में बहुत ज़्यादा इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, आप लोगों को पता है। बाकी जमशेदपुर में 14 साल से हम लोग रहे हैं। अरे भाई साहब जमशेदपुर का भी दुर्गा पूजा देख ही लिए, पापा बहुत ज़्यादा घुमाए, जितना पंडाल था पापा से वो उतना घुमाए। और आज फर्स्ट टाइम कोलकाता में आज दुर्गा पूजा देखने का हम लोग का एक छोटा सा शौक है। स्टार्टिंग पे ही पता चल गया भाई यहाँ कितना ज़्यादा क्रेज़ है दुर्गा पूजा का, कितना ज़्यादा लोग यहाँ मनाते हैं दुर्गा पूजा। क्यों बहुत खतरनाक भाई यहाँ, नहीं बताएगा इस फेस पे, फिर भी आप लोग के लिए एक प्यारा से स्माइल रख के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। रात के 3 बज चुके हैं बट फिर भी आप लोग के लिए ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और हम लोग ऐसे अभी होटल में स्टे किए हुए, जहाँ पे अभी हम लोग होटल लिए हुए हैं उसके जस्ट बगल पे उसका फ्लैट है, जाके बहुत लोग भरे पड़े हैं, तो वो बोला है। तो जीत बोला एक दिन एडजस्टमेंट कर लो, बाकी कल देख। उसके फ्लैट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं गाइस, आप लोगों को बता दें इसका कोई ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, एक ही छोटा सा रूम है, बस 2 जन इसमें आराम से रह सकते हैं। हम और भाई तो आराम से एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये देखो बाकी पिल्लो वगैरह लगा हुआ है, बैग सामान वगैरह पूरा फेंका हुआ है, फटाफट से अभी चप्पल वगैरह धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और ट्रेन में जो ट्रैवल करने के बाद आज पता चला ना भाई, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आज, जो भी एक्सप्रेस था आज बहुत ज़्यादा, 4 घंटा लग जाता है हमारे जमशेदपुर से आने में कलकत्ता, पर यहाँ 7 घंटा लगा दिया भाई, 7 घंटा ट्रैवल किए हम लोग, पूरा टायर्ड फील हो गया, पूरा थक गए, पूरा हींच के नींद लेंगे, मतलब जितना हो सके नींद लेंगे, और फिर यहाँ से चेकआउट भी करेंगे।